ओम शांति। आपका प्रश्न है कि परमात्मा का कहना मानना ही याद करना है। परमात्मा का क्या कहना माने? क्योंकि जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं, आपने 7 दिन का बेसिक कोर्स प्रॉपर नहीं किया। आपने आगे पीछे की कोई कोई वीडियो देख लिए हैं, और भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा 7 डेज बेसिक कोर्स के वीडियोस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं, वहां से आप बेसिक कोर्स के वन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे प्रॉपर कीजिए, तो आपको ये प्रश्न पूछना नहीं पड़ेगा। ये प्रश्न आपने पूछा है, उसके लिए आपको मैं बताऊंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, जितना भी कॉमन जनरल बताना चाहूंगा आपको। परमात्मा का कहना हमें पता तो होना चाहिए ना, इसके लिए बेसिक 2-3 बातें हमें समझनी है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा आकर अपना डायरेक्शन कब देता है, कैसे देता है, और उनके डायरेक्शन क्या है जिसके ऊपर हम चले, वो डायरेक्शन में मिलते कैसे, इसको समझने के लिए पहली बात आप 7 डेज कोर्स को अच्छी तरह करेंगे। दूसरी बात, परम आत्मा परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देने का कार्य करते, जो आज तक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुरली के रूप में उपलब्ध है। जो मुरलियां प्रतिदिन पूरे वर्ल्ड में डेली की डेली पढ़ने के लिए दी जाती है, वो उस डेट का चैप्टर है, उस डेट का पार्ट है, उस डेट की डायरेक्शंस है, उस डेट की गाइडलाइंस है, और जो आज की गाइडलाइन है पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी सेंटर्स पर एक ही गाइडलाइन सबके लिए दी जाती है, ताकि सब एक साथ एक जैसी पढ़ाई पढ़ सके। भाषा कोई भी हो, रंग कोई भी हो, जाति कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, पीछे पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं, आगे कितनी या बड़ी हाई क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, परंतु तो आपको परमात्मा से पढ़ाई एक ही मिलती है, और वो मिलती है हम आत्माओं, शरीरों को नहीं मिलती। ये पढ़ाई वही पढ़ सकते हैं जो अपने आप को आत्मा समझते हैं। जो अपने आप को आत्मा नहीं समझ सकते, नहीं समझते, वो इस पढ़ाई को पढ़ ही नहीं सकते, सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के बाद उसको अमल में लाना, अमल में लाने के लिए निश्चय की जरूरत होती है कि वाक्य में ये पढ़ा कौन रहा है। जिसने 7 दिन का बेसिक कोर्स कर लिया है वही समझ सकता है कि स्वयं भगवान आकर परम धाम से पढ़ा रहा है। जिसकी एक झलक देखने के लिए सारी दुनिया तरस रही है वो परम धाम से आकर पढ़ा रहा है। परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं तब पढ़ाने के लिए आता हूं जब संसार में किसी के पास नॉलेज नहीं होती, मैं ही आकर ज्ञान देता हूं, सारा संसार मेरे से ही ज्ञान की डिमांड कर रहा है।
तो मैं आया हूं सारे संसार को पावन बनाने के लिए, सारे संसार को ज्ञान देने के लिए। तो आओ और आकर अपने परम पिता परमात्मा से ज्ञान लो। तो रोज आना, क्योंकि मुरली को आप अच्छी तरह तभी समझ सकेंगे, प्रतिदिन के पाठ को, चैप्टर को, लेसन को, गाइडलाइंस को आप तभी ठीक रीति से समझ सकेंगे जब आपने कहे गए ABCD प्राइमरी कोर्स कर लिया हो। उसके बाद जो ईश्वरीय डायरेक्शन रोजाना मिले, उन्हीं को बैठकर एक विद्यार्थी की तरह मनन करना है, चिंतन करना है, जो बात अच्छी लगे उसे अपने जीवन में लाना है, जीवन में कैसे लाना है वो भी विधि साथ में बताई जाती है। जैसे एक स्टूडेंट रोजाना स्कूल में जाता है तो घर आता है होमवर्क करता है, स्कूल में गया था तो घर आएगा होमवर्क बड़ी सहज रीति से करेगा। ठीक इसी प्रकार रोजाना का चैप्टर रोजाना पढ़ेंगे तो आप रोजाना उस पर होमवर्क करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। आप पतित से पावन बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बड़ा सहज वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहां सारे विश्व की आत्माओं को एक साथ पढ़ना है और परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, और आप हर आत्मा का अधिकार है, आए और पढ़े। एक वंडरफुल स्कूल है जहां कोई फीस नहीं, कोई एडमिशन फीस नहीं, नहीं आओ तो कोई जुर्माना नहीं, कोई सजा नहीं, कोई पढ़ेगा तो अपने लिए, नहीं पढ़ेगा तो अपने लिए, सुधरेगा तो अपने लिए, नहीं सुधरेगा तो अपने लिए। आप सभी को ईश्वरीय निमंत्रण है, आप सारे विश्व के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो, मुरली सुननी हो, मुरली आपको रोजाना प्राप्त करनी हो, परमात्म डायरेक्शन आपको रोजाना प्राप्त करनी हो, तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। आपके पास प्रतिदिन गॉडली डायरेक्शंस पहुंचते रहेंगे। ओम शांति।